बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल वर्ल्ड न्यूज़ में। दोस्तों, नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को लाइक करें। इससे फायदा ये होगा कि नई वीडियो जैसे हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। आज की वीडियो बहुत अहम है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ेगा कि दुबई टूरिस्ट वीज़ा और टिकट सस्ते के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखें दोस्तों, हमने कल वीडियो नहीं बनाई थी, हम कुछ मसरूफियात हमारी थी और दूसरे नंबर पे हमारी कुछ तबीयत भी ख़राब थी। आप लोग हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सेहत और कामरानी अता फरमाए। और दूसरे नंबर पे आपको बताते चलें विज़िट और टूरिस्ट वीज़े की। देखें टूरिस्ट और विज़िट वीज़े के जिन लोगों के नहीं लग रहे थे, अभी 100% लोगों के विज़िट वीज़े लग रहे हैं और टूरिस्ट वीज़े लग रहे हैं। जो लोग टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए जल्दी विज़िट वीज़ा निकल के आ रहा है। अभी यानी कि 8 दिन के अंदर अंदर आपको टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा मिल रहा है। और दूसरी नंबर आपको ये भी बताते चलें कि दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि फ़्लैट्स की जो टिकट है वो सस्ती होने जा रही है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दुबई के लिए फ़्लैट्स ओपन कर दी गई हैं। अभी फवाद चौधरी ने भी ऐलान कर दिया है कि दुबई के लिए फ़्लैट्स जो पहले फ़्लैट्स थी कम थी, अभी ज़्यादा फ़्लैट्स का ऐलान कर दिया है। इसकी वजह से टिकटें भी सस्ती हो जाएंगी। 2 या 4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को हम खुशखबरी सुना देंगे कि टिकट सस्ती हो गई है पाकिस्तान से दुबई जाने के लिए। आप लोग फिर टिकट ख़रीद के, जिन लोगों के विज़िट वीज़े ऑलरेडी आ चुके हैं, वो लोग टिकट ख़रीद के दुबई के लिए सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि टिकट में 55% लोगों को टिकट सस्ती मिलेगी PIA की और एयर ब्लू की भी। और आज की बहुत अहम वीडियो थी, सोचा कि आप लोगों को बता दें। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।